हेलो एवरीवन, वेलकम इन द व्लॉग चैनल। तो गाइज़ कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़ मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और आके नहाने के बाद मेरा वही रूटीन वर्क शुरू हो गया है जो डेली चलता है। तो आप बने रहना मेरे व्लॉग वीडियो में और देखते रहना। तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम स्टार्ट हो गया है किचन का। यहाँ मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सब्जी बना रही हूँ टिंडों की। तो मेरे पास कच्ची छोटी छोटी टिंडो है, तो इन्हें मैंने छील लिया है। और टमाटर प्याज हरी मिर्च का मैंने ग्रेवी तैयार हो रही है काट के, और इन्हें मैंने लगा दिया है तड़का। और इसमें मैंने लहसुन भी डाला है। तो आप देख रहे हैं मेरी ग्रेवी रेडी हो रही है सब्जी के लिए। और भरमा टिंडो बना रही हूँ, तो इसको मैंने ऐसे बीच में से चार चार पीस किए, अच्छी तरह पूरी नहीं कटिंग करी, बस इसके चार चार कट लगा के टिंडो के। और ये ग्रेवी जब रेडी हो गई तो इसमें मैंने पकने के लिए डाल दिया है। और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर या कोई भी प्लेट ढककर हम छोड़ देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तो कच्ची टिंडो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फटाफट बन जाती है। तो इसके साथ ही मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी मेरी चल रही है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, सब्जी भी बन रही है और मैंने तवा मांझ धो के रख दिया है गैस पर। तो यहाँ मेरी पहली रोटी बन रही है गाय के लिए, उसके बाद परांठे भी बनेंगे और चपाती बनेगी। चाय मेरी लगभग रेडी हो गई है बनकर और ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। जब तक परांठे बनेंगे, चपाती बनेगी, सब्जी भी बनकर रेडी हो जाएगी। हम सब कर लेंगे एक साथ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेटे के भी स्कूल की छुट्टियाँ हैं। बस सुबह ट्यूशन जाता है, 7 o'clock 7 बजे टाइमिंग है ट्यूशन की, और आने के बाद इकट्ठा हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह और बर्तन वगैरह कर लिए। तो यहाँ बेटे के साथ का आया है फ्रेंड ट्यूशन से, तो उसके लिए मैं शिकंजी तैयार कर रही हूँ। तो नींबू मैंने काट कर नींबू रस डाल लिया है और मैं बना रही हूँ शिकंजी। इतने में आ गई है दूध वाले अंकल, दूध डलवा लिया है मैंने और दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। गर्मी काफ़ी है तो दूध तो डलवाते के साथ साथ ही बॉईल करना पड़ता है, नहीं तो दूध ख़राब हो जाता है। तो दूध को साथ ही छान लेते हैं, छलनी लगा के ले जाती हूँ। और यहाँ मैं रख रही हूँ गैस पर दूध गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं साथ साथ और काम भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है और साथ ही जो बर्तन कुछ रह गए हैं, छलनी है या एक दो बर्तन और, तो उन्हें मैं मांझ धो के और रख लेती हूँ। साथ ही दूध गर्म हो रहा है, मेरा ध्यान दूध की तरफ भी है और जो बर्तन रह गए हैं उन्हें भी मैं मांझ धो के रख रही हूँ। तो आप बने रहना मेरी वीडियो में और देखते रहना। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट नहीं करते हो भी, बहुत कम कमेंट आते हैं। तो दोपहर का बर्तन वगैरह दूध वगैरह का सब काम निबट गया है। तो लंच में डिमांड हो गई है, चलो ज़्यादा भूख नहीं थी तो भी बना लेते हैं। मैंने जो ब्रेड बनाई थी ब्रेकफास्ट ब्रेड, तो वो बन रही है। तो इसमें मैंने टमाटर प्याज शिमला मिर्च हरी मिर्च सब काट के रख लिए, तड़का चढ़ा दिया है, घी डाल के गर्म हो गया, जीरा डाल दिया और ये सब भूनने के लिए डाल देती हूँ। हरी मिर्च प्याज पहले डाल देती हूँ, जब ये हल्के से भून जाएंगे तो उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले टमाटर, शिमला मिर्च को सबसे लास्ट में डालेंगे। तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये तो कई बार ब्रेकफास्ट में बन जाता है, कभी सुबह के ब्रेकफास्ट में तो कभी आफ्टरनून यानी दोपहर में बन जाता है, शाम के ब्रेकफास्ट में अगर कभी इच्छा हुई तो वो तब भी बन जाता है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। प्याज भुन गया तो मैंने डाल दिया टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च जो मैंने चॉप कर रखी है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ब्रेड लगती भी बहुत टेस्टी है वैसे ब्रेड को। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर
लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये जब अच्छे से मिक्स हो गया, पक गया लगभग 2 मिनट के लगभग, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और अब डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसका कलर टेक्सचर अच्छा बन जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब तक ये रेडी हो रही है मैं ब्रेड की कटिंग कर लेती हूँ। वैसे ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही मंगवाती हूँ, कभी भले ही सिंपल ब्रेड लेके आए, नहीं तो ब्राउन ब्रेड ही ज़्यादा लाइक करते हैं सभी। तो ब्राउन ब्रेड मैंने मंगवा रखी है और इनके कर लेती हूँ मैं छोटे छोटे पीसीज। तब तक हमारे टमाटर प्याज हरी मिर्च शिमला मिर्च सब पककर अच्छे से हो जाते हैं तैयार। तो इसके साथ भाई बन रही है चाय भी, सबको ऐसे अभी ये खाने के साथ चाय भी ले लेंगे। जब ये पक गया तो इसमें मैंने डाल दिया है टोमेटो केचप और इसे अच्छे से मिक्स करके जो ब्रेड कटिंग की थी वो भी मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर दिए। इसे बहुत ही पोलाइट हाथ से या सॉफ्ट सॉफ्ट इसे मिक्स करना होता है, नहीं तो ये ज़्यादा ही इसके अंदर घुल जाएगी, यानी पीसीज बिल्कुल ही कट जाएंगे। तो ये हमारा ब्रेड ब्रेकफास्ट है जो तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जितना देखने में लग रहा है वैसा ही खाने में टेस्टी होता है। तो गाइज आप भी मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग अपने घर पर बनाने की ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा खाने में। यहाँ मैंने राशन का सामान मंगवाया, सब आ गया है। तो मैं देख रही हूँ कि मैंने जो स्लिप बना के दी वो सब आ गया है, वो साथ ही देख रही हूँ, साथ ही इन्हें डिब्बों में डालने के लिए भी मैं आ गई हूँ। इन्हें अब सबको सेट कर देती हूँ, जिस जैसे डिब्बे लगे हुए उनमें डाल देती हूँ। तो अब मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, एकदम हवा भी बंद है, उमस हुई है और आंधी आने वाला जैसा मौसम है। तो अब मैं डिनर की तैयारी करूंगी और इसके साथ ही मैं गाइज अपने आज के व्लॉग वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग वीडियो में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब वेट कर रहे हैं कि अच्छी सी बारिश हो जाए, और देखते ही देखते हल्की सी हवा भी चल गई है तो लग रहा है कि बारिश आने की संभावना है। आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ मौसम में बदलाव आ जाए गर्मी में। मिलते हैं कल के व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।